मैनपुरी के बरनाल थाना क्षेत्र के तिकोना निवासी सीआरपीएफ के जवान ब्रिजमोहन की जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और जवान की मौत की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, जहां शहीद जवान की बड़े भाई ने बताया कि ब्रिजमोहन की 2004 में सेना में नियुक्ति हुई थी और मृतक अपने परिवार में सबसे छोटा था। साथ ही मृतक की पत्नी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मृतक सैनिक के परिजनों से मिलने घर नहीं पहुंचे, जिससे परिजनों ने नाराजगी जताई। दोपहर में हुई थी। क्या कह रहे थे पापा? कुछ नहीं, पापा कह रहे थे कि पैर में दर्द होता है, पापा ने कहा हम बाद में बात करेंगे। वो दीदी को फोन चाहिए था पढ़ाई करने के लिए, पापा ने कुछ खाई नहीं। अच्छा, पापा आपसे कब मिले थे सबसे सब पहले? कितने दिन पहले मिले थे? 10 फरवरी को। 10 फरवरी को क्या कुछ कह के गए थे पापा? कुछ नहीं, पापा ने कहा था अपना ख्याल रखना, मम्मी की बात मानना और कुछ नहीं कह कर। मेरी पापा से रात में बात हुई थी। क्या बताया था, क्या बात हुई थी? सब बात तो ऐसी हुई थी, मम्मा बाबू को दूध पिला रही थी तो मम्मी वीडियो कॉल हुई थी पापा से, तो बाबू पापा को देख के दूध पी लेता है तो दूध पी लिया उसने। पापा ने कहा ठीक है हम थोड़ी देर बाद फ़ोन करेंगे दूध पिला दो उसे, तो पापा ने फ़ोन काट दिया फिर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ने किया था, पापा ने उठाया नहीं, किसी पे बिजी थे कॉल पे। और फिर सुबह फोर्स वालों का फ़ोन आ गया था। जब वो बोल रहे थे तब सांस ज़्यादा ले रहे थे, मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, नहा लिया, घबराहट सी हो रही है, गैस बन गई है, बोले कुछ घबराहट। कब आने के लिए? प्लास्टर था। आपको क्या सूचना मिली थी? हमसे सिर्फ भैया का नंबर लिया सुबह बस। कितने समय पहले आए थे आप? कब आए थे? वो फरवरी में आए थे। ये पहले से बता रहे थे कि दिक्कत है या? कोई दिक्कत नहीं थी, ये कोर्स होता है श्रीनगर का, वो कर रहे थे, एक महीने का था वही कर रहे थे, 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक का था, उसी में ये गिर गए थे, फ्रैक्चर हो गया था। ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री आए थे क्या, आप लोगों से मिले? इन्होंने बोला था हार्ट अटैक हो गया हैगा आपके भाई को, फिर हमने इनको कहा हार्ट अटैक कैसे हो गया हैगा, हमारे को बताओ क्यों? मेरी पर उनसे एक दिन पहले बात हुई थी 8:30-9 बजे करीब, शादी के बारे में। हमारे घर में एक फंक्शन भी हैगा 27 अप्रैल को, उसके बारे में फिर मैंने इसको बोला भी था, मैंने कि आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, अपनी वाइफ को और बच्चों को उसके गाड़ी में बैठा दो, मैं यहाँ पे आनंद बिहार बस अड्डे ले लूँगा। कह रहा ठीक है। अब ये अचानक कैसे हुआ ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक हमारे। ये कहाँ तैनात थे? ये पुलवामा में तैनात थे, वहीं हॉस्पिटल में भर्ती थे, इनके पैर में चोट लग गई थी। ये कब ज्वाइनिंग हुई थी? ज्वाइनिंग 2004 में। लास्ट बात हुई थी तब क्या? लास्ट बात हुई थी बस, ये शादी के बारे में बात हुई थी। मैंने इनको बोला भी था छुट्टी मिल जाती है आपको तो मैं लेने आ जाऊंगा पुलवामा, मेरे साथ आ जाओ और क्या नाम है, चलो शादी में फिर आराम भी कर लेना घर पे। देश की सेवा करते हुए सेवा दौरान जो शहादत हुई है उसमें मृत्यु हुई है, उसमें जो भी नियमानुसार न्याय संगत जो भी पारिवारिक मानकानुसार सहायता होगी वो निश्चित रूप से दी जाएगी और हम लोगों की संवेदनाएँ सद्भावनाएँ पूरे परिवार के साथ।